सीतापुर के महमूदाबाद में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक राजा महमूदाबाद के किले में गदर 2 की शूटिंग होनी थी 7 अप्रैल से। तैयारियां चल रही थी, फिल्म का सेट बनाया जाने लगा था, लेकिन आज डीएम का एक आदेश आया और डीएम ने गदर 2 की शूटिंग पर रोक लगा दी। क्या पूरा मामला है, क्यों डीएम सीतापुर ने ये रोक लगाई है, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे महमूदाबाद के संवाददाता आयुष जैन। जी, मैं आपको बता दूं कि यह 7 अप्रैल से महमूदाबाद राजा के किले में गदर 2 फिल्म की शूटिंग होनी थी, जिस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा कर रहे थे। इस फिल्म में दिग्गज कलाकार सनी देओल, अमीषा पटेल, इसके अलावा कई बड़े कलाकार 7 अप्रैल से महमूदाबाद पहुंचने थे। राजा के किले में भी जो एक सेट है शूटिंग के लिए, वो तैयार किया जा रहा था। किले को पूरी तरह से पुताई वगैरह की गई है। इसके अलावा एक भारी भरकम सेट भी लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन इसी बीच एक दिन पहले आज 6 अप्रैल को एक आदेश आ गया कि महमूदाबाद में गदर 2 की शूटिंग नहीं होगी। यह आदेश जिलाधिकारी सीतापुर की तरफ से जारी किया गया है और उन्होंने ये जो फिल्म की परमिशन है उसको रद्द कर दिया है। फिल्म की जो शूटिंग है वो राजा किले के अंदर होनी थी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का जो अधिकांश हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में शूट किया जा रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी शूटिंग हुई, अब इसकी शूटिंग सीतापुर के महमूदाबाद स्थित राजा के किले में की जानी थी, लेकिन इस शूटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। जी आयुष जी, ये क्यों डीएम सीतापुर विशाल भारद्वाज ने इस पर रोक लगाई है, क्या पूरा मामला है? जी, आपको बताएं कि 4 अप्रैल को महमूदाबाद के ग्राम जरावन निवासी एक मनोज कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री और जो डीएम है और सत्र संपत्ति से जुड़े अधिकारियों के माध्यम से एक शिकायत की थी। शिकायत में ये बताया था कि जो राजा महमूदाबाद का किला है वो सत्र संपत्ति के अधीन आता है, इसके बावजूद सत्र संपत्ति की अनुमति के बगैर बिना कोई धनराशि उस विभाग को अदा किए कुछ लोग इस किले को शूटिंग के लिए दे देते हैं, और इससे पहले भी भारी प्रतिफल प्राप्त करके कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग यहाँ की गई है, लेकिन उसकी कोई भी जो धनराशि है वो शत्रु संपत्ति। इसके जी अलावा मनोज कुमार का ये भी आरोप था कि जो फिल्म है, जो शूटिंग शुरू हो रही है, इसके अलावा सीतापुर में 9 तारीख को एमएलसी का चुनाव होना है, जिससे शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इस शिकायत को जो डीएम है उन्होंने संज्ञान लिया। उन्होंने 5 अप्रैल को जो एसडीएम महमूदाबाद से इस पूरे मामले पर आख्या मांगी, रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद जी 5 अप्रैल को ही एसडीएम महमूदाबाद दिव्या ओझा ने अपनी जो आख्या है वो डीएम को भेज दी थी। आख्या में डीएम ने एसडीएम ने ये बताया था कि जो किला है गाटा संख्या 556, जिसका क्षेत्रफल 3.845 हेक्टेयर है, जी वो राजस्व अभिलेखों में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक भारत सरकार व गाटा संख्या 556 क्षेत्रफल 35.689 हेक्टेयर आबादी के खाते में दर्ज है। जी उक्त किला जो है वो महमूदाबाद अभिरक्षक शत्रु संपत्ति भारत सरकार की भूमि में स्थित है। शांति व्यवस्था की समस्या तथा एमएलसी चुनाव को देखते हुए गदर 2 की फिल्म की जो शूटिंग है उसको रुकवाया जाना आवश्यक बताया गया था। जो एसडीएम ने रिपोर्ट जो है वो डीएम को भेजी थी इस संबंध में। जी आपको बता दें कि 5 अप्रैल को ही जो रिपोर्ट भेजी गई एसडीएम की तरफ से, उस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और आवेदन जो शिकायतकर्ता थी उसकी जो बात थी उसको देखने के बाद 5 अप्रैल को डीएम ने गदर 2 की जो ऑनलाइन अनुमति थी जी उसका जो संख्या थी ऑनलाइन अनुमति की NOC 00000053 जो 31/3 को फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा द्वारा ऑनलाइन प्राप्त की गई थी उसको रद्द कर दिया है। जी तो ये पूरा मामला है। पूरी रिपोर्ट मंगाई है, एसडीएम ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर डीएम सीतापुर विशाल भारद्वाज ने शूटिंग रद्द कर दी है। कारण भी स्पष्ट बताया गया है उसमें, एमएलसी चुनाव और जो किला महमूदाबाद है वो शत्रु संपत्ति है, इसलिए शूटिंग रोकी गई है। चूंकि डायरेक्टर ने ऑनलाइन अनुमति ली थी, शत्रु संपत्ति पर शूटिंग करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए शूटिंग रोक दी गई है। हालांकि बताया भी जा रहा है कि जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा, वो मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं इस मामले को लेकर। अब क्या कुछ आगे शासन इस पर निर्णय लेता है, शूटिंग यहाँ हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल आयुष जी, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए, कोई भी अपडेट होती है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।